कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस और कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेशवासियों, आने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस के ठग कमलनाथ आपको ठगने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनसे सावधान रहें, उनके बहकावे में ना आए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेशवासियों, नवंबर में मध्य प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं जिसका शंखनाद हो गया है। कांग्रेस के ठग कमलनाथ फिर से आपको ठगने की पूरी कोशिश करेंगे। आप उन्हें चुनाव में हरा कर बता देना कि प्रदेश की जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। कमलनाथ जब सत्ता में थे तो तब उन्होंने कुछ नहीं किया, जितने वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया, इसलिए जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर किया था। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि नाथ कपोल कल्पित नारी शक्ति के सम्मान का ढकोसला परोस रहे हैं। जब वो सत्ता में थे तब तो उन्होंने नारी शक्ति का अपमान किया। कृषि मंत्री ने कहा कि कमलनाथ ने गरीब आदिवासियों को भाजपा सरकार की ओर से दी जा रही 1000 महीना मदद को सत्ता में आते ही बंद कर दिया था, और इतना ही नहीं, ये प्रदेश के सारे विकास कार्य ठप करके कहते रहे पैसा नहीं है, फिर भी आईफा अवार्ड कराने के लिए, हीरो हीरोइन को नचाने के लिए इनके पास 700 करोड़ रुपए आ गए। अब ये पैसे कहाँ से आए? इनके पास किसानों के लिए कुछ भी नहीं था, कर्ज माफी के नाम पर सिर्फ इन्होंने छल कपट ही किया है, इसलिए प्रदेशवासियों, कमलनाथ और कांग्रेस से सावधान रहे। 2023 के चुनाव आ गए, संक्रांत हो गया, नवंबर 2023 में चुनाव है, और ये कांग्रेस के ठग पुनः जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। जब सत्ता में थे तो जो वादे किए थे, वचन दिए थे, एक भी पूरा नहीं किया, और इसलिए जनता ने धक्का देकर इनको बाहर किया, जनता के साथ धोखा किया, तो जनता ने धक्का दिया, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। अब ये सत्ता लो लो ऐसे तड़प रहे, मछली जैसे पानी से निकाल दो रेत में तड़पती, ऐसे तड़प रहे, आए सत्ता, आए सत्ता, और इसलिए जनता को गुमराह करने के लिए, ठगने के लिए, फिर ये ठगनाथ कमलनाथ ठगनाथ फिर से जनता के बीच में गुमराह कर रहे हैं। एक लॉन्च कर दी योजना, नारी शक्ति योजना। अरे तुम सत्ता में नहीं हो, जब सत्ता में था जब तुमने नारी का क्या सम्मान किया? तुमने गरीब आदिवासियों को, जो शिवराज सिंह जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1000 रुपये महीना देती थी, तुमने सत्ता में आने के बाद में उसको बंद कर दिया। तो कहां से नारी का सम्मान किया, कहां गरीबों का सम्मान किया? तुमने यहां तक कि अंत्येष्टि के बंद कर दिए, संबल योजना बंद कर दी, बच्चों की स्कॉलरशिप तक बंद कर दी, तुमने सारे विकास के काम ठप कर दिए, और रोते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, सिवा भ्रष्टाचार के कुछ किया नहीं। और आईफा के लिए 700 करोड़ की व्यवस्था थी, लेकिन किसानों के लिए भाई व्यवस्था नहीं, किसानों को तुमने छल किया, धोखा दिया, एक रुपया कर्जा माफ किया नहीं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।